नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय स्टार न्यूज। बिजनेसमैन राज कुंद्रा की जमानत याचिका को लेकर मजिस्ट्रेट कोर्ट की तरफ से अभी अभी एक बड़ा फैसला सुनाया गया। जैसा कि आप सबको पता है कि 2 अगस्त को मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा जो राज कुंद्रा है उसके केस पे सुनवाई की गई थी, लेकिन उसमें जो है फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया था कोर्ट के जज के द्वारा। उन्होंने दोनों पक्ष की सुनवाई जरूर की थी, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो सुरक्षित रख लिया था और बोला था कि इस पर जो है हम बाद में फैसला सुनाएंगे। तो अभी अभी जो इस पर अपडेट आ रही, जिसमें जा रहा है कि कोर्ट के जो जज हैं उनके द्वारा इस पर फैसला सुनाया गया और साथ में ही उन्होंने राज कुंद्रा की इस याचिका को खारिज कर दिया, यानी कि जो जमानत की याचिका दाखिल की गई थी अभी उसको मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दिया है और सीधे सीधे बोल दिया है कि अगर जो है राज कुंद्रा की इस टाइम जमानत दी जाती है तो हो सकता है कि ये जो है सबूतों के साथ में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं और जो जांच एजेंसी इसमें लगी हुई है उसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि अभी जो है राज कुंद्रा जेल के अंदर ही रहे। बाय द वे, जो राज कुंद्रा है उसकी जुडिशियल कस्टडी जो है 10 अगस्त तक है, उसके बाद जो है कोर्ट में फिर से इस पर फैसला सुनाया जाएगा कि उसकी कस्टडी जो है आगे बढ़ाई जाती है या नहीं। लेकिन अभी जो है कोर्ट के द्वारा सीधे सीधे इस याचिका को खारिज कर दिया है और सीधे सीधे बोल दिया गया है कि इनको कोई भी जमानत नहीं मिलेगी। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।